ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न परिस्थितियों में हमारी स्थिति न बिगड़े। परिस्थितियां तो आती हैं। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको विभिन्न परिस्थितियों से न गुजरना पड़ा हो। कोई गरीबी की परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई धनवान है तो उसे अनेक तरह की टेंशन्स रहती हैं, उसकी अलग परिस्थिति होती है, डॉक्टर्स की अलग परिस्थिति, तो बिजनेस वालों की अलग परिस्थिति, अधिकारियों की अलग परिस्थिति, तो पॉलिटिशियंस की अलग परिस्थिति। परंतु परिस्थितियों में स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखना ही परिस्थितियों को समाप्त करने का तरीका है, क्योंकि जब हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ रहती है तो हमसे बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते हैं, हमारे संकल्प सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, और इससे परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए हमें ये कला सीख लेनी है, अपने को इतना शक्तिशाली बना लेना है कि परिस्थितियां हम पर हावी ना हो जाएं, हमारी शक्तियां परिस्थितियों पर भारी पड़ें। इसके लिए हमें अपने पास ज्ञान का बल भी बहुत रखना है। ज्ञान के बल का अर्थ है ज्ञान की कुछ ऐसी पॉइंट्स जिनके चिंतन से हम परिस्थितियों में भी हल्के रहें। जैसे अपने सारे बोझ बाबा को समर्पित कर दें तो बाबा बोझों को हर लेता है। अपनी सारी समस्याएं बाबा के हवाले कर दें तो उनमें वो बहुत मदद कर देता है। जैसे बाबा के महावाक्य की याद करें, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे को तेरे में समर्पित करके बेफिक्र बादशाह बनकर जियो। तुम चिंता न करो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। इनको याद करने से हमें जो बल मिलेगा उसे ज्ञान का बल कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण काम है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है हमें परिस्थितियों में हल्का रखने में। दूसरी चीज है स्वमान का बल। हम कौन हैं और किसके हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। होता क्या है कि परिस्थितियां आने पर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो परिस्थितियां हमें भारी लगने लगती हैं। छोटी सी बीमारी भी एक बड़ी परिस्थिति के रूप में अनुभव होने लगती है। लेकिन अगर हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो हमारा सारा ज्ञान भी इमर्ज रहता है और हमें अपनी शक्तियों की भी अवेयरनेस रहती है। इससे परिस्थितियों का दबाव कम हो जाता है। और तीसरा है, हमें अपने अंदर योग की शक्ति बढ़ाते चलना है। योग ही एक ऐसी विद्या है, कनेक्शन है सर्वशक्तिवान से, कि योग की शक्ति के बिना न तो कोई माया जीत बन सकता और न ही शक्तिशाली। तो हमें योग अभ्यास बहुत बढ़ा देना है, योग के भिन्न भिन्न तरीके सीखकर कर्म में योग को जोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लें, प्लान बना लें। विभिन्न कर्मों में घूमते फिरते, ड्राइविंग करते, बसों में यात्रा करते, हम कैसे कैसे अभ्यास करें ताकि हमारे अंदर योग की शक्तियां बढ़ती रहें। तो आज सारा दिन हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे जो बहुत सरल है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, स्वयं को आत्मा देखें और मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में देखें। फिर ज्ञान सूर्य से बाबा परम धाम से नीचे उतरकर मेरे सम्मुख आ गए हैं। सामने देखें उनको, 4-6 फुट की दूरी पर, और उनकी शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ये अभ्यास आज बार बार करेंगे
घंटे में दो बार तो इसको अवश्य करना है। इससे एकाग्रता भी हमारी बहुत बढ़ जाएगी और हमें बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अगर इस अभ्यास को हम बढ़ा दें तो हमें परिस्थितियां बहुत हल्की लगने लगेंगी। हम बहुत बड़े हैं और परिस्थितियां बहुत छोटी हैं, ये आभास होता रहेगा और हम उन पर विजयी होंगे। ओम शांति।